हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि हरियाणा ओपन बोर्ड से अपनी 10वीं 12वीं करना चाहते हैं। बार बार कमेंट कर रहे थे कि भाई फॉर्म कब निकलेंगे, तो बड़ी खुशखबरी आ गई है, आपके जो फॉर्म हैं वो निकल गए हैं। आप लोग यहां पर न्यूज़ देख सकते हैं, मुक्त विद्यालय परीक्षा के लिए आज से आवेदन। यानी कि वो स्टूडेंट जिनको रेगुलरली जो है स्कूल में जाकर 10वीं 12वीं नहीं करनी, ओपन बोर्ड से 10वीं 12वीं करनी है, तो उनके जो नए सेशन के फॉर्म हैं वो निकल गए हैं। क्या है अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, चलिए वीडियो को देखते हैं लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि भाई लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस है, कब तक फॉर्म भरना है और कैसे भरना है सब कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब जैसे ही हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको न्यूज़ कॉर्नर में ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर HOS एग्ज़ाम मार्च 2025। यही वो नोटिस है, तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। न्यूज़ तो मैंने आपको दिखा दी स्टार्टिंग में, अब जो ऑफिशियल नोटिस है वो देख लेते हैं कि भाई उसमें क्या कहा गया है, कितनी फ़ीस है, कब लास्ट डेट है, कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो ये देखिए भाई, सबसे पहले आप देख सकते हो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। 13 तारीख को नोटिस आ गया था लेकिन फॉर्म भरने का लिंक नहीं आया था, तो मैंने सोचा जिस दिन आएगा उसी दिन वीडियो बना देंगे। तो आज 16 तारीख है, आज से फॉर्म स्टार्ट है, तो वो भी बताऊँगा कैसे भरने हैं। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है बताया गया है हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी फ्रेश परीक्षा मार्च 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 16/9/2024 निर्धारित की गई है। यानी कि 16 सितंबर यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब क्या क्या लास्ट डेट रहेगी, कब तक फॉर्म भरना है, क्या फ़ीस रहेगी, वो यहाँ पर एक टेबल बना के बताया गया है, तो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले 10वीं की बात कर रहा हूँ, 10वीं वाले ध्यान से सुन ले भाई। बिना विलम्ब शुल्क जो है 16/9/2024 से 15/10/2024 यानी कि 16 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आप लोग 1200 रुपये फ़ीस देकर फार्म भर सकते हो। कितनी फ़ीस है भाई, 10वीं अगर आपको करनी है ओपन से तो 1200 रुपये फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद 100 रुपये लेट फीस लगेगी अगर आप लेट हो गए 15 अक्टूबर के बाद, 16 अक्टूबर से नवंबर तक चले जाओ तो आपकी फिर 1300 रुपये हो जाएगी 100 रुपये लेट फीस। और लेट हो गए तो 300 रुपये लेट फीस लगेगी, और लेट हो गए तो भाई 1000 रुपये लेट फीस लगेगी। आप ऐसे करके जो है दिसंबर तक देख सकते हो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको लेट नहीं करना है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। जिनको भी फॉर्म भरना है वो यहाँ पर अपना जो है 15 अक्टूबर से पहले पहले जो है फॉर्म भर दें 1200 रुपये लेट फीस के बिना। इसके बाद 12वीं की बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी, तो इनका भी ऐसा ही सीन है, 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है 1250, 10वीं की 1200 रुपये थी, 12वीं की 1250 रुपये फ़ीस है। आप फार्म भर सकते हो, अगर आप भी लेट होते हो तो 100 रुपये, फिर 300, फिर 1000 रुपये, ऐसे जैसे जैसे आप लेट करेंगे आपकी लेट फीस जो है बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई 1250 रुपये आपकी नॉर्मल फ़ीस है, 12वीं वाले भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है वैसे तो दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो लेट फीस के साथ, तो लेकिन 15 अक्टूबर आपकी नॉर्मल जो है फ़ीस के साथ लास्ट डेट रहेगी। समझ गए, फिर से बताऊँ एक बार कि भाई 16 सितंबर यानी कि आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, 1200 रुपये 10वीं की फ़ीस, 1250 12वीं की फ़ीस। ओके, वैसे दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो लेकिन फिर लेट फीस लगेगी। आगे चलते हैं, आगे जो है इन्होंने एक बड़ी बात लिखी है कि अगर यहाँ पर आपके कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है तो 100 रुपये फिर एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे 1200 तो है, उसमें फिर 100 और जुड़ जाएंगे अगर कोई प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो, जैसे साइंस हो गया, और भी सब्जेक्ट है, ऐसा ही 12वीं का है, ऐसे कोई और एडिशनल सब्जेक्ट लेना है तो 200 रुपये लगेंगे, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये ज़रूरी बातें कई बार जो है इतनी ज़रूरी हो जाती हैं कि पूछिए मत, क्योंकि आप फॉर्म भर देते हो लेकिन ये गलतियाँ कर देते हो तो फिर आपके एडमिट कार्ड नहीं आते। आप सोचते हो कि हाँ फॉर्म भर रखा है, 12वीं हो जाएगी इस साल, और पता चला एडमिट कार्ड नहीं आया, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ऑनलाइन आवेदन मतलब फॉर्म भरते हैं किसी भी दुकान वाले से, तो उसके फ़ोन नंबर नहीं देने हैं। ठीक है, अपना माता पिता बहन भाई आदि का ही मोबाइल नंबर देना है, या तो अपना ही दो या फिर अपने माता पिता का, भाई बहन का, उस दुकान वाले का नहीं भरना है, वरना जो है सारे मैसेज सब पासवर्ड वगैरह उसके पास जाएंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा। तो अपना घर का फ़ोन नंबर देना है, उस दुकान वाले का नहीं भरना है। इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो आवेदन शुल्क है वो अच्छे से आपकी फ़ीस कटनी चाहिए, ये आप सुनिश्चित कर लें। कई बार जो है फ़ीस नहीं कटती है और वो बोल देते हैं कि भरा गया फॉर्म, तो ये देख लेना। ठीक है, और अपनी जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसकी जो हार्ड कॉपी है उसको अपने पास संभाल के रखना है, उसकी एक दो फ़ोटोकॉपी भी करवा लेनी है।
समझ गए। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बात करें, आगे आप देख सकते हो इन्होंने लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि भाई यहाँ पर आपको जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हो यानी कि फॉर्म भरते हो तो आपको अपना नवीनतम फ़ोटो देना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज से 6 साल पहले फ़ोटो खिंचवाई थी जिसमें जो है आप बिल्कुल छोटे से लग रहे हो, पहचान में नहीं आ रही कि अब तो शक्ल ही बदल गई, तो ऐसी फ़ोटो नहीं देनी है, आपकी लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा के आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद जो है कोई त्रुटि नहीं करनी है, जिससे भी फॉर्म भरवाओ उसको बोल देना कि भाई अच्छे से फॉर्म भरे, कोई भी यहाँ पर जो है गलती ना करे। इसके बाद अगला ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आप जब ऑनलाइन आवेदन करते हो तो अपने सारे जो है जो भी जन्म प्रमाण पत्र है या फिर SLC है जो भी है वो अच्छे से आपको अपलोड करने हैं, ताकि जो है वो यहाँ पर आपके अच्छे से वेरिफिकेशन हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद जो है आगे इन्होंने बता रखा है, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ भी सकते हो कि भाई आपको जो है अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डाक से भेजने होते हैं, क्या करना होता है, पहले फॉर्म अप्लाई करो, उसके बाद जो है आपको अपने जो फॉर्म अप्लाई करते हो वो उसके साथ एक दो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका प्रमाण पत्र, ठीक है, सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट डाक से भेजने होते हैं बोर्ड में, तो वो सब अच्छे से भेजने हैं ताकि आपका जो है रोल नंबर जारी हो जाए। ये जो है ये पता है, इस पते पे भेजने होते हैं, ठीक है। सहायक सचिव मुक्त विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड हासी रोड भिवानी 127021, ये पता है आपका एड्रेस है, समझ गए। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये ओवरऑल नोटिस था आपका जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको जो है यहाँ पर अगर फॉर्म भरना है, आपको 10वीं बारी ओपन बोर्ड से करनी है, तो आप जो है फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। कैसे करना है फॉर्म भरने के लिए, देखिए हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लिंक दिया जाता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात बता दूँ, कुछ एक स्टूडेंट खुद भरने का सोचते हैं तो भर तो सकते हो, लेकिन कई बार डॉक्यूमेंट्स जो अच्छे से स्कैन होकर नहीं जाते तो वहाँ पर जो है दिक्कत आ सकती है आगे चल के। तो आप किसी ऐसे दुकानदार से भरवा लें, ऐसे इंटरनेट शॉप के ओनर से भरवाएं जो कि यहाँ पर अच्छे से भर दे तुम्हारा फॉर्म, समझ गए। तो इसके बाद हम बात करते हैं कैसे भरना है। तो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे जैसे ही जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सारी डिटेल डाल के जो है यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है और आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, समझ गए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप फॉर्म भर दीजिए, फिर से लास्ट डेट वगैरह चेक कर लीजिए। एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, 1200 रुपये 10वीं की फ़ीस है, 1250 12वीं की फ़ीस है। 15 अक्टूबर तक जो है बिना लेट फीस आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हरियाणा ओपन बोर्ड के स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, आगे सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे पूरे साल। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।